So hey guys, what's up? Welcome back to our channel edit.com. okay, today in this video we are going to talk about responsibilities to in a general people's means a society, like customers and normal people's, like poor people's. okay, so ऐसा ही हम इस पर बात करने वाले हैं. तो इसमें 8 पॉइंट हो गए क्योंकि ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबसे लास्ट वाला टॉपिक है. ओके, इसके बाद हमें कुछ ज्यादा इसके बाद कुछ मिलने नहीं वाला है. देन इसके बाद कुछ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा एनवायरमेंट के ऊपर है, मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स एनवायरमेंट प्रोटेक्शन. ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी मजा आने वाले इसमें पढ़ने के ऊपर. बिकॉज एनवायरमेंट में हमें देखना चाहिए, ठीक है, हम काम कर रहे हैं, रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, बट यूज करने के साथ साथ उसको और ग्रो भी तो करना चाहिए. ठीक है, उसी को अगले एपिसोड में जानने वाले. ओके, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट. यस दोस्तों, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट. ओके, हमें अगर देखो एनवायरमेंट इज फॉर ऑल, सबके लिए होता है फर्स्ट ऑफ ऑल. तो मीन्स हर एक ह्यूमन बींग, आज अर्थ पर जितने भी ह्यूमन बींग्स है, इन सबको एनवायरमेंट की जरूरत है, एक नेचुरल एनवायरमेंट की जरूरत है. तो बिजनेसेस इनका यूज कर रहे हैं, मीन्स लाइक एयर का, लैंड का, वाटर का, इन सबका यूज कर रहे हैं. बट यूज करने के साथ साथ इन्हें प्रोटेक्ट भी किया करो. ठीक है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बननी चाहिए. सेकेंड पॉइंट क्या था, बेटर एंड मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस. ठीक है, हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा कि नेचुरल रिसोर्स यूज करते हैं. अब सेकंड पॉइंट में ये क्या बोला है कि अच्छे से यूज करो. ठीक है, आप फॉर केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए आप मोटर यूज करते हो, आप कुछ लैंड यूज करते हो, कोई भी चीज यूज करते हो तो उसको ऑप्टिमली यूज करो. मीन्स अच्छे से अच्छा यूज करके निकालो कि किसी को हार्म ना हो, किसी चीज की स्कैर हो, जैसे पानी की स्कैर है. ओके, तो उस चीज को अच्छे से यूज करो कि आगे किसी आने वाली चीज को तकलीफ ना हो. बस इस चीज का ध्यान रखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बिजनेस को समझनी आनी चाहिए. ओके, फिर थर्ड पॉइंट है आपका रिजर्वेशन फॉर अ वीकर सेक्शन. यस, रिजर्वेशन मींस फॉर एग्जांपल, देखो टेक्स्ट में कुछ एग्जांपल दिया नहीं है. ठीक है, बट खाली इसका मीनिंग एक्सप्लेन कर दिया कि कैसा रिजर्वेशन सोसाइटी सोसाइटी के लिए हम कर सकते हैं. बट एग्जांपल छोटा दे देता हूँ और मेरे माइंड की सबसे, कि यहाँ पर एक छोटा रिजर्वेशन मीन्स जॉब के लिए, जो बहुत कम कंपनी ऐसी करती है कि रिजर्वेशन फॉर अ वीकर सेक्शन. ठीक है, कंपनी तो ये सोचती है कि हाँ, अगर बंदा के पास अच्छा नॉलेज है, अच्छी क्वालिफिकेशन, हम उसको देंगे. अब अच्छी क्वालिफिकेशन के लिए अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड चाहिए. अब ठीक है, अगर नॉर्मल कोर्स है, बीकॉम, बीएससी, ये सब नॉर्मल कोर्स है, इसके लिए कुछ ज्यादा पैसा नहीं चाहिए. ठीक है, एक नॉर्मल इंसान भी ओके एक अफोर्ड कर ले इसको. बट जैसे कि कोर्स, जैसे एमबीए कोर्स हो गए, ये बड़े बड़े जितने भी कोर्सेस है, ये इजिली नहीं हो सकते, बहुत ज्यादा पैसा लगता है. अभी इन कंपनियों को यही चाहिए, हाँ हमें हाई प्रोफाइल जॉब चाहिए, हाई प्रोफाइल क्वालिफिकेशन चाहिए. ओके, बट ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, वीकर सेक्शन पे ध्यान दो, वीकर सेक्शन वालों को उठाओ जॉब के लिए, उन्हें मेन करो कि हाँ अगर कोई भी रियली पुअर है, हम उस पुअर को जॉब देंगे. यस, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है, इसके लिए हम पुअर को ही जॉब देंगे, ये एक अच्छा रिजर्वेशन बन सकता है. ठीक है, कंपनी में 100% एम्प्लॉयमेंट है तो 10% तो इनके लिए रखो, 100 में से 10% कोई कमी नहीं है, 90% जो मैं जो उठाना उठाओ, कहाँ से उठाना उठाते हो. ओके, बट 10% तो इनके लिए रहना ही चाहिए. अगर मेरी कुछ ऑर्गेनाइजेशन देगी, मैं तो ऐसा ही करूंगा कुछ को. ओके, सो फोर्थ पॉइंट आपका आता है डेवलपमेंट ऑफ अ बैकवर्ड रीजन. क्या डेवलपमेंट ऑफ द बैकवर्ड, थर्ड पॉइंट में भी मैंने यही बात की कि जो पुअर पीपल है, बैकवर्ड पीपल है, ओके, उनको डेवलप करो. ये इंडिया ऐसी सोसाइटी बन चुकी है पहले, मतलब 19th सेंचुरी से कि यहाँ पर बैकवर्ड लोगों पर ध्यान ही नहीं दिया गया. बैकवर्ड को बैकवर्ड पर रख गया और हायर बनते गए और आज भी हायर पे और बैकवर्ड पर ही रह गए. नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बैकवर्ड वाले को भी ऑर्गेनाइजेशन की एक इनपर पावर है, ये ऑर्गेनाइजेशन पावर है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, सोसाइटी में कुछ भी हलचल कर सकते हैं. तो ये हलचल कर देना चाहिए कि बैकवर्ड रीजन्स पे थोड़ा डेवलपमेंट आना चाहिए, ये इनके हाथ में होना चाहिए. फिफ्थ पॉइंट है हमारा प्रोटेक्शन अगेंस्ट एंटी सोशल एक्टिविटी. जो बिजनेस कर रहे हो, मतलब उनकी पैशन अच्छी है, हैंड बहुत स्ट्रांग है, हैंड्स में इनके ऐसा आर्म स्ट्रांग नहीं होते, एक्चुअल हैंड में जो उनका वाइड एरिया रहता है काफी ज्यादा स्ट्रांग रहता है. ओके, तो इन पे अच्छा ध्यान दो कि कुछ गलत काम नहीं होने चाहिए. एंटी सोशल एक्टिविटी में जैसे स्मगलिंग हो गया, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय से कुछ वो रिश्वत लेन देन वाला, ये सब काम यहाँ पर नहीं होना चाहिए. यहाँ पे जो भी काम हमें करना है जेन्युइनली करना है, अच्छे तरीके से करना है, विद प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन. सिक्स पॉइंट है फाइनेंशियल असिस्टेंट टू अ पब्लिक, टू अ जॉब पीपल. ओके, किसी पास जॉब नहीं है, जॉब दे दो. ओके, किसी पास जॉब नहीं है, जॉब दे दो. देन किसी चीज की कमी है, उस चीज की प्रोवाइड करो. जैसे कि आज बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, स्कूल्स एंड कॉलेजेस के बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, स्कॉलरशिप की एग्जाम्स होती है, एंड उस एग्जाम में अगर अच्छा स्कोर करते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है. ओके, तो मीन्स ये
अच्छा स्कोर पर जो स्कॉलरशिप मिलती है पैसा मिल जाता है, और फिर आगे की जितने भी तुम पढ़ाई करते हो, जब तक तुम पढ़ाई करते हो या फिर जब तक तुम जॉब करो तब तक का सारा खर्चा हमारा रहेगा, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस करती है, बहुत अच्छी बात होती है गरीबों के लिए। तो सबसे अच्छी बात है जो पुअर पीपल होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए सबसे अच्छी चीज है, मीन्स बहुत अच्छी है। ओके, तो सेवन पॉइंट है आपका प्रिवेंट अ कंजेस्टेशन। इवन मे भी आपने पहले बार सुना रहेगा कंजेस्टेशन, अब इसमें क्या था कंजेस्टेशन मीन्स क्या भीड़ जहाँ बहुत लोग रहते, जैसे मुंबई पुणे ये जितने बड़े बड़े सिटीज है यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते, कम जगह में बहुत सारे पीपल रहते। अब मुंबई में ही इतने पीपल से मीन्स ऐसे कोई जगह नहीं जहाँ पर खाली मिलेगा आपको, हर एक हर पॉइंट पे आपको हर एक किलोमीटर के अंदर कोई ना कोई पब्लिक मिलेगी मिलेगी। ओके, मीन्स इसका मतलब क्या है यहाँ पर इतना क्राउड है कि यहाँ पर कोई इंडस्ट्री सेटअप नहीं करना चाहिए। अब इंडस्ट्री के लिए अलग से जगह होती है, एक अलग सा प्लान एरिया होता है इंडस्ट्री के लिए, आप इंडस्ट्री आप खोल सकते हो, आप इंडस्ट्री कर सकते हो, क्योंकि इंडस्ट्री से निकलने वाला हार्म गैसेस हार्म केमिकल्स ये इंसानों को तकलीफ दे सकते हैं। तो क्राउड सिटी में हम इस चीज करेंगे तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाएगी, ये चीज पे ध्यान देना चाहिए बिजनेस को। फिर एट पॉइंट आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, या बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, मे बी आपने इलेवन भी पढ़ा रहेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बिजनेस की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको सोसाइटी के लिए जनरल पीपल लोगों के लिए कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो। अब पता है हमें आजकल टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, हर काम मशीन कर रही है, बट ठीक है मशीन कर रही है, बट मशीन अब इंसान क्या करेगा, सब चीज़ मशीन आ गई तो। आज हम बैंक में जाते हैं, बैंक में कैश निकालने के लिए पहले वहाँ पर कैशियर होता था, बट आज कैशियर की जगह एटीएम आ गए, पहले डिपॉजिट करने के लिए पर्सन होता था, आज डिपॉजिट की मशीन भी आ गई है, पहले चेक डालने के लिए भी पर्सन होता था, बॉक्स होता था क्योंकि या फिर हम चेक स्लिप भर के देते भी थे, बट आज चेक की चेक डिपॉजिट करने की मशीन आ गई है। अब हर चीज की मशीन आ गई तो इंसान क्या करेगा, तो ये हो जाएगा ना बेरोजगार हो जाएगा। ठीक है ऐसा मत करो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, तो अपने सोसाइटी के लिए इंडिया से खास कर इंडिया से सोसाइटी के लिए जो डेवलपिंग कंट्री अच्छा से डेवलपमेंट हो जाएगी। ओके, तो आज के इतना रहेगा, तो आपको 8 पॉइंट समझ में आ रहेगा, अगर कुछ नहीं समझ मुझे कमेंट से आप पूछ सकते हो सीधा कि सर इसका क्या है क्या नहीं है। ओके, प्लस अगर आप मुझसे 1-to-1 पढ़ना चाहते हो ओसी के या फिर 12th या फिर 11th कुछ भी सब्जेक्ट या फिर कुछ टॉपिक सेपरेट आपको नहीं समझ में आए तब मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए कि लिंक तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए। ओके, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ लिंक, तो वहाँ पर आकर मुझे पूछ सकते हो कि सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, तो वहाँ पर इन डिटेल हम कैसे पढ़ेंगे और क्या कुछ रहेगा मैं आपको बता दूंगा वहाँ पर। ओके, तो चैनल पर नया आगे फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही टाइम टू लेक्चर्स एंड एजुकेशन अपडेट आपको टाइम मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू।